मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बारिश का मौसम तो हम सबको पसंद है ना? और बारिश में सबसे ज्यादा क्या काम आता है, सोचिए। मैं बताती हूँ, बारिश में सबसे ज्यादा काम आता है छाता। छाते कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छाते। पर क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा छाता देखा है या उसके बारे में कभी सुना है? देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन मैंने सुनी जरूर है ये कहानी, जिसमें एक बच्चा कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाना चाहता है। आखिर उसे इतने बड़े छाते की क्या जरूरत, मुझे क्या पता, उसी से जान लेते हैं। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गरम। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचा से बड़ा छाता मांग लिया, अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचा से और बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर। शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचा से बहुत बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर। सोनू हामिद हरमीत सब के सब आ गए, बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू सलीम अम्मा चाचू राकेश हामिद हरमीत शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, मुझे उनके जवाब नहीं पता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। एक, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। जैसे मुझे तो बारिश में कागज की नाव चलाना पसंद है। अच्छा, अब ये बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जैसे कोई पायलट बनना चाहता होगा, कोई शेफ, कोई टीचर। अब बताइए आप क्या बनना चाहेंगे। चलिए अब अगला सवाल, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? बताइए, क्या आप आसमान जितना बड़ा छाता बना सकते हैं? अगला प्रश्न, छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में गीले नहीं होते? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? अगला प्रश्न, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? अगला प्रश्न, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, बारिश में क्या क्या गीला हो गया? और अब एक खेल खेलते हैं। आपको इस खेल में बताना होगा कि वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है। आप इस तरह से करके देखिए,
पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली को खोलकर रखिए। अब दाएं हाथ की तर्जनी से इस उंगली से बाईं हाथ की हथेली बजाकर देखिए। ठीक है, करें, आंखें बंद कीजिए। सुना आपने, ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है। अब फिर से दो उंगलियों से बजाकर देखिए। अब तीन उंगलियों से। अब चार उंगलियों से बजाकर देखिए। है ना कमाल, बिल्कुल ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है ना। अब एक और खेल है शब्दों का। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। यहां दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला शब्द जिसका विपरीत ढूंढना है वो है ऊपर। अब ऊपर का विपरीत क्या होता है? नीचे। तो चलिए देखिए नीचे कहां लिखा है। ये देखिए, पहली पंक्ति के पहले खाने और दूसरी पंक्ति के दूसरे खाने के अक्षर मिलकर बनाते हैं नीचे। है ना मजेदार खेल। अब आगे खेलिए। दूसरा शब्द दिया है अंदर, इसका विपरीत क्या होगा? अंदर, बाहर। है ना, तो ढूंढिए। ये रहा, पांच पंक्ति के एक दो तीन खाने को मिलाकर बनता है शब्द बाहर। आसान है, आप भी करके देखिए फिर से। तो आगे के शब्द अब सारे के सारे आपको ढूंढने हैं। आगे दिए गए शब्द हैं एक, अंधेरा, दाएं, रात, दूर, गीला। तो शुरू हो जाइए और इसके बाद आपको करना है ये, पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक, दिन में सूरज, रिक्त स्थान में तारे दिखते हैं। तो दिन में दिखता है सूरज और तारे कब दिखते हैं? रात में। है ना, पूरे आसमान में चमचमाते हुए तारे दिखते हैं। तो हमारा जवाब क्या हुआ? दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। अब दूसरा, रिक्त स्थान बोलें झूठ नहीं। आप सोचिए ये रिक्त स्थान कैसे भरना है। और तीसरा भी आपको ही पूरा करना है, ऊपर आकाश और रिक्त स्थान धरती है। सोचिए और पूरा कीजिए। यहां दिए गए शब्दों की सहायता से पांच से छह वाक्य लिखिए। दिए गए शब्द हैं बारिश, झमाझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। अब आखिर में आपसे मजेदार पहेलियां पूछती हूँ। मुझे पता है पहेलियां पूछना सबको बहुत अच्छा लगता है। पहेली मैं पूछूंगी, हल आपको करनी है। पहली पहेली है, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सी सी है। इसका उत्तर दे सकते हो, ये तो बात जरा सी है। सोचिए तोते का प्यारा प्यारा खाना क्या होता है। और क्या खाने से आप सी सी करने लगते हैं? मैं बताऊं, मिर्ची। अब आपको इसका जवाब मिल गया, तो लिखिए मिर्ची। अब अगली पहेली आप हल करेंगे। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो चले आप ये कहानी सबसे बड़ा छाता फिर से सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। हम चलते हैं, नमस्ते।